ये क्वेश्चन है आपका, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एचपी देन ए बाई बी प्लस सी कॉमा बी बाई सी प्लस ए एंड कॉमा सी बाई ए प्लस बी विल बी इन एपी आर जीपी आर एचपी। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि जो दी गई सीरीज है वो एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है, ये आपको बताना है। ओके, ये जी एडवांस का क्वेश्चन है और जब इसको सॉल्व करें तो 10 मिनट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ठीक से सॉल्व करेंगे इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको रूल मालूम होना चाहिए कि क्या और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम कोई एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो एच पी में हो और ए बी सी की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। तो लेट ए की वैल्यू 2 पुटअप कर लीजिएगा, बी की वैल्यू 3 पुटअप कर लीजिएगा और सी की वैल्यू 6 पुटअप कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू अगर एचपी में है तो इसका इनवर्स करके जब डिफरेंस निकालेंगे तो देखेंगे कि वैल्यू सेम आएगी। अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू रखे हैं वो एचपी में है अभी इस समय। ठीक है, ये किसमें हो गई आपकी एबीसी की वैल्यू एचपी में हो गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू इसमें पुट अप कर लेंगे जो दी गई सीरीज है उसमें। ये वैल्यू है ए बाई बी प्लस सी कॉमा बी बाई सी प्लस ए कॉमा सी बाई ए प्लस बी इक्वलेंट टू ए बाई बी प्लस सी। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 6 है, तो 6 और 3 9 कॉमा। नेक्स्ट है आपका b बाई सी प्लस ए, बी की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू आपकी 6 है और a की वैल्यू आपकी 2 है, तो 6 टू 8 हो जाएगी वैल्यू कॉमा। और नेक्स्ट है आपका c की वैल्यू 6 है और a प्लस बी, a की वैल्यू 2 है और 3 की और b की वैल्यू 3 है, तो 3 टू 5 इक्वलेंट टू 2 बाई 9 कॉमा 3 बाई 8 कॉमा 6 बाई 5। तो ये वैल्यू आपकी है और जनरली इसको देख रहे हैं आप कि इसको जब आप डिफरेंस निकालेंगे, यहीं से जब डिफरेंस निकालेंगे तो d की वैल्यू सेम नहीं आएगी और नहीं डिवाइड करने के बाद ही वैल्यू सेम आएगी। तो हम क्या करेंगे इसको इनवर्स करके, जब इसको इनवर्स करके हम डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है, जो ये दिया गया सीक्वेंस है जो आया हुआ है आपका, वो एचपी में हो जाएगा आपका। ये जो वैल्यू हो जाएगी किस में हो जाएगी, सीक्वेंस एचपी में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जो एपी होता है वो एचपी का इनवर्स होता है। ठीक है, तो इसका इनवर्स करके जब आप डिफरेंस करिएगा तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम सेम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है वो किसमें है, एचपी में है। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके okay?